ऐसे क्या कारण है और ऐसा क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं? तो देर आर थिंग्स जो आपके हाथ में है, देर आर थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। खून की नसों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठहराव नहीं होना, रेस्ट नहीं मिलना, रिलैक्सेशन नहीं मिलना, जिससे हीलिंग नहीं, हार्ट अटैक का रिस्क सबको। यूथ ऑफ अराउंड 30 टू 35 इयर्स, दे हैड अ मैसिव हार्ट अटैक। यूथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ये एकदम से अचानक से हार्ट अटैक के नंबर्स, हार्ट अटैक के एविडेंसेस जो यंग एज में आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे आसपास, सभी के आसपास कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत रेगुलर स्मोक करता है लेकिन फिर भी उसे हार्ट अटैक नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे भी लोग सुने हुए हैं जो बहुत एक हेल्दी, दिखने में हेल्दी थे, रादर कोई एक्सरसाइज करता था, कोई जिम जाता था, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हो गया। ये बातें जो आपने बचपन से या कई सालों से सुन रखी हैं कि कोलेस्ट्रॉल या मोटापा, डायबिटीज, स्मोकिंग, यही हार्ट अटैक के मेन कारण है। बट देन इफ यू चेक, अगर हम मेडिकल रिसर्च भी देखें तो 70% केसेस ऐसे हैं हार्ट अटैक के जिनके केस में कोलेस्ट्रॉल लेवल एब्सोल्युटली नॉर्मल था। सो कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या स्मोकिंग, अगर हम रिसर्च या आज के डेट में एविडेंस निकालने की देखें तो कोई भी एक सबसे बड़ा रीजन नहीं है जिसके वजह से हार्ट अटैक आता हो। या तो हम ना ही कोलेस्ट्रॉल को बोल सकते हैं, ना ही हम आपके जेनेटिक्स को बोल सकते हैं, ना ही आपके मोटापे या डायबिटीज को बोल सकते हैं। लेकिन कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये जरूर हो गया है कि किसी को भी कभी भी अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। और किसी को भी बोलने का मतलब यह है कि यंग एज में भी, बच्चों को भी, खेलते कूदते, डांस करते, आपने सुना होगा गरबा खेलते लोगों को अटैक आ रहा है, स्कूल में दौड़ते भागते, होली खेलते, कुछ करते हुए लोग गिर जा रहे हैं और मृत घोषित हो जा रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों? So, इसी बेसिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या कारण है और ऐसा क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और हम एज अ पर्सन क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को इस तरीके के अटैक से बचाएं। सबसे पहले देखो, बेसिक तो सभी को पता है कि हार्ट अटैक जब भी होता है, हार्ट की, खून की नसों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस, हार्ट की तीन मेन नसें होती हैं, 3 मेन नसें, और उसमें ब्लॉकेजेस आने की वजह से हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं जाता और वहां डैमेज होता है। ये बेसिक तो सबको पता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड, एक कोई कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल रीजंस में सबसे बड़ा रीजन एब्सोल्युटली आपकी रिस्क फैक्टर्स आता है। रिस्क फैक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं कि आपका खतरा कितना बढ़ जाता है। हार्ट अटैक को हम एक्सीडेंट के साथ कंपेयर कर, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा ये देखना या सोचना या डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। कि ऐसा कोई इंसान ये बोल के चल नहीं सकता कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं, आपकी गलती से ना भी हो, दूसरे की गलती से हो सकता। सेम वे हार्ट अटैक आपका कभी नहीं होगा ऐसा आप नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी गलती हो सकती है। एक्सीडेंट होने में नंबर वन रीजन आपकी खुद की गलती होती है, यानी रैश ड्राइविंग हो गया, तेज चलाना हो गया, गाड़ी का ध्यान नहीं रखना हो गया, फलाना ना। सेम वे अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, इसमें रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ड्राइविंग में तेज ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या एक ड्रंक ड्राइविंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हाँ भाई इसका तो एक्सीडेंट होने का रिस्क है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई ड्रंक ड्राइविंग कर रहा तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा 100%। सेम वे ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई स्मोकिंग कर रहा तो हार्ट अटैक हो ही जाएगा, लेकिन स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा 10 गुना बढ़ जाता है, ये मान के। वैसे यही कई सारे नोन रीजन है, यानी कि अगर आपकी सबसे बड़ा एक रीजन जो आज के डेट में है, बुरी लाइफस्टाइल, खान पीन आपका बहुत एक्सेस है। मोटा मोटा सोचे चलिए, अगर आपके घर के अंदर सामान ही ज्यादा है तभी एक जगह पे क्लटर होगा, तभी इकट्ठा होगा कि यार ये क्या है। अगर आपके आपके कबर्ड में कपड़े ज्यादा है तभी वो एक दूसरे के ऊपर अजीबोगरीब तरीके से पड़े होंगे। सेम वे अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट स्टोर्ड है, अगर फैट बहुत ज्यादा स्टोर्ड है तभी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट्स भी बहुत ज्यादा है, इधर उधर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट या जो हम प्लाक बोलते हैं। सो एक अनहेल्दी शरीर रिस्क बढ़ा देता है हार्ट अटैक का, ये आप भी हम भी भली भांति जानते हैं, सब आराम से वी अंडरस्टैंड। बट वो अनहेल्दी शरीर पे ध्यान देने की जगह हम ध्यान देते हैं कमाई पे, पैसे पे, कि भाई हमें एक शिफ्ट और मिल जाती है, 12 घंटे की शिफ्ट मिल जाती है, स्ट्रेस मिल जाता है, नाइट शिफ्ट मिल जाती है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है, और एक एज तक हमारी बॉडी उससे लड़ती रहती है। सबसे बड़ा रीजन जो आता है ये आता है अपने आप को इग्नोर करना, ये बड़ा रीजन है। नॉट लाइक मोटापा ही है, ऑब्वियसली ओवरवेट होना, मोटापा होना, इनएक्टिव होना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीजें बदली जा सकती, स्मोकिंग रोकी जा सकती, राइट? अगर हम बुरी तरह ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग सही की जा सकती। सो देयर आर थिंग्स जो आपके हाथ में है, देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल। जैसे कोविड आया, कोरोना के बाद वो अपने आप में एक वायरस था जो शरीर के अंदर क्लॉटिंग बढ़ाता था, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जिसे हम कहते हैं। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट के वजह से उस दौरान कई लोग लंग के खराब हो जाने की वजह से
जान खो बैठे थे, कई लोगों को अलग अलग जगह पे क्लॉट्स आए क्योंकि वो इन्फ्लामेशन करता था, वो खून की नसों में के ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन करता है, खून की नसों में इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पर वो इन्फ्लामेशन हील होने में डैमेज होके वहां पे प्लाक जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो बॉडी का आपका एक हीलिंग मैकेनिज्म है। जहां भी डैमेज होगा आपके, जहां भी स्क्रैच लगेगा वहां पे खून का क्लॉट बनता ही है, बाहर भी बनता है अंदर भी बनता है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि खून का क्लॉट नहीं बनना चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि डैमेज हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो डैमेज हील नहीं हो रहा है, डैमेज पे डैमेज हो रहा है। जस्ट लाइक अगर कोई हाथ में उसे छीलता जा रहा है उसको डैमेज होता जा रहा है, एक बार छिलके वो दो महीने बाद देखोगे तो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, मगर वहीं पर बार बार इंजरी हो रही है या हाथों में उसके लगता जा रहा है तो उसके हाथ ओवर टाइम खराब हो जाएंगे या अजीब दिखेंगे। तो यही चीज आपकी बॉडी के अंदर होती है, थोड़ी बहुत बीच बीच में इंजरीज बॉडी झेल सकती है, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो, स्मोकिंग की वजह से हो, कोरोना की वजह से हो, और आपकी बॉडी लगातार हील होती जाती है, लगातार बीच बीच में डैमेज होती है। तो ये तालमेल रखना कि इंजरी कितनी हो रही है, डैमेज कितना हो रहा है और हीलिंग कितनी हो रही है, ये आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, ये डिपेंड करता है आपके रेस्ट पे। क्या आप पूरा दिन जद्दोजहद में लगे रहते हो, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये फोन, वो कॉल्स, यहाँ दौड़ना, वहां दौड़ना, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के लिए नौकरी मुश्किल से हो रही है, जॉब पसंद नहीं, किसी के लिए दो दो नौकरियां चल रही है, सो अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, एवरीबॉडी इज स्ट्रेस्ड। तो एक बड़ा रीजन है ठहराव नहीं होना, रेस्ट नहीं मिलना, रिलैक्सेशन टेक्निक रिलैक्सेशन नहीं मिलना, जिससे हीलिंग नहीं होती, अच्छी नींद नहीं मिलना। हीलिंग नहीं होगी तो छोटी छोटी इंजरी कंपाइल होगी आपकी खून की नसों में, आपकी बॉडी में, आपके लिवर में, सब जगह। सो बड़ा कारण क्या है, क्रोनिक इंटरमिटेंट इंजरी एंड नो रेस्ट या प्रॉपर हीलिंग नहीं होना। अब जब हीलिंग की बात करते हैं तो क्या सिर्फ रेस्ट से हो जाएगा, क्या सिर्फ सो जाने से हो जाएगा, क्या छुट्टी लेने से हो जाएगा या एक बार टूर वेकेशन पे जाने से हो जाएगा? नहीं। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आप अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखेंगे तो प्रेगनेंसी के बाद उनका हेयर लॉस होता है, बिकॉज बॉडी एक स्ट्रेस से गुजरती है, एक बड़े स्ट्रेस, इट्स अ स्ट्रेसफुल फेज प्रेगनेंसी डिलीवरी, उसके बाद हेयर लॉस होता है, और हर एक ऑपरेशन के बाद या हर इंजरी के बाद, हर बड़े इवेंट के बाद आपका हेयर लॉस होता है, जिसे हम नेचुरल हेयर लॉस, जिसे टिलोजन एफ्लुवियम कहते हैं, बिकॉज बॉडी जो है वो उस मेजर पार्ट को बनाना प्रेफर करती है जो ऑर्गन्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, रादर देन ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हेयर हो गया, ये हो गए, नेल्स हो गए, तो उनकी ग्रोथ उस समय रुक जाती है। दैट डजंट मीन कि जिंदगी भर रुक जाएगी, वो कुछ महीनों बाद, दिनों बाद नहीं, सेकंड्स बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद आपको दिखाई देता है कि 6 महीने तक, 8 महीने तक, साल भर के अंदर पूरे बाल वापस आ गए, हीलिंग हो गई, वापस रिकवरी हो गई। सेम वे आपकी बॉडी भी वैसी काम करती है। कोरोना का इन्फेक्शन आपको हुआ था, बहुत सीरियस हुआ, तो दैट डजंट मीन कि आप जिंदगी भर आपको हार्ट अटैक का रिस्क रहेगा, दैट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम चाहिए, उसको रिकवरी के रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे हेयर बनने के लिए आपकी बॉडी को आयरन, सेलेनियम, प्रोटीन चाहिए, अगर आपके अंदर आयरन की कमी होगी, आपके अंदर प्रोटीन की कमी होगी, तो ये भी होगा कि वो हेयर रिकवर ही नहीं करें और आप चक्कर मारते रहोगे डॉक्टरों के, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कौन सा तेल लगाऊं, तेल लगाने से नहीं आएगा, आपकी बॉडी को अंदर से जो चाहिए वो रॉ मटेरियल चाहिए। सेम विथ योर बॉडी, अगर आपके शरीर के अंदर खून की नसों में इंजरी हो रही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट हियर, हमारी बॉडी में जाने वाले खाने पीने की चीजों में, फूड प्रोडक्ट्स, दे हैव जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 इज सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, आपका हर सेल आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट से चलता है, वो पेट्रोल है आपका, एनर्जी है आपको, वो मिलती है तो एनर्जी मिलती है, वो खत्म हो जाता है तो थक जाता है, उसका एक लिमिटेड सोर्स है, आपकी बॉडी थोड़ा बहुत स्टोर करती है लिवर के अंदर, मसल के अंदर, ग्लाइकोजन के हिसाब से। बहुत ज्यादा खाते हो तो उसका एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जैसे बैंक डिपॉजिट, पैसा होता है, एक होता है हमारे जेब में, यानी कि हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमारे जेब में पैसा है, तुरंत अवेलेबल है, हाथ डाला निकाल लिया। दूसरा हमारे घर में, घर के अंदर जो पैसा है वो हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है, हमारे मसल के अंदर ग्लाइकोजन है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। और तीसरा पैसा होता है जो हम बैंक डिपॉजिट करते हैं, वो है हमारा फैट सेल। जब एक्सेस बॉडी में कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जाता है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं, इतना खाते हैं कि हमारी बॉडी को उतनी नीड नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या इवन एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी स्टोर करती है, बैंक में डिपॉजिट करती है, और हमारी चर्बी बढ़ती जाती है, हमारा वजन बढ़ता जाता है, हमारा पेट बाहर निकलता है, हमारे साइड निकलते हैं, हमारा गला मोटा होता है, हमारे हाथ पैर मोटे होते हैं। शरीर इन चीजों से नहीं बनता, शरीर कार्बोहाइड्रेट से नहीं रिकवर करता, वो सिर्फ एनर्जी के लिए, शरीर फैट से रिकवर नहीं करता, वो साथ देने के लिए है, वो चिकनाई वाला चीज है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ के या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ जुड़ के कई सारे हार्मोन बनाता है, कई सारे एंजाइम बनाता है। तो शरीर बनता किससे? शरीर एक ही चीज से बनता है, प्रोटीन से। शरीर की हर एक चीज, हर एक मांसपेशी, हर एक ऑर्गन, हर एक चीज प्रोटीन से बनी, प्रोटीन के साथ फैट कार्बोहाइड्रेट मिलके, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट है प्रोटीन। तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके बाल भी रिकवर नहीं होते, बाल ही नहीं, बाल तक रिकवर नहीं होंगे तो शरीर कैसे हो, चोट कैसे हो,
इंटरनल इंजरीज कैसे हो, हमारी बॉडी रिकवर रीमॉडलिंग कैसे करे। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर एक पर्सन है जिसकी डाइट खराब है तो वो इंसान ओवर टाइम उसके बॉडी के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एक इंसान डाइट में अगर प्रोटीन नहीं लेता है, सिर्फ कार्ब्स लेता है, तो उस इंसान के लिए भी वो खतरा बढ़ जाएगा, बिकॉज छोटी छोटी इंजरीज उसकी रिकवर नहीं करेगी, कंपाइल जल्दी करेगी। बड़े कारण जो आज तक आपने सुने हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग बंद रखनी है, शुगर ठीक रखनी है, आपका मोटापा सही रखना है, स्मोकिंग बंद करनी है, दारू नहीं पीना है, ये सारे कारण मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे कारण वो इंजरी पैदा करते हैं। जब शुगर बड़ी होती है, खून की नसों में इंजरी होती है, जिसे हम एंडोथेलियल इंजरी कहते हैं। खून की नसों के अंदर जो अंदर की लाइनिंग होती है, वहां पर चोट लगती है, इंजरी होती है, और ये इंजरी हील होने के लिए वहां प्लाक लगता है धीरे धीरे, या फिर बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब भी कर सकती है थोड़े बहुत प्लाक्स को। डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर उस एरिया में ब्लड फ्लो कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, नीड कितनी है। यहां तक कि आपकी बॉडी नए खून की नसें भी बना सकती है। नई खून की नसें लगातार पूरी उम्र बनती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड कहां है। वो उसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको। इफ यू सी अ ओबेस पर्सन, ओवरवेट पर्सन, अगर किसी मोटे इंसान का आप देखोगे तो उसकी जो काफ मसल्स हैं, वो काफ मसल्स बहुत मोटी होती है, और वो इंसान जब पतला हो जाता है मेहनत करके, व्हाटएवर ऑपरेशन करके कैसे भी, तब उसकी काफ मसल्स मोटी ही रह जाती है, बड़ी बड़ी रह जाती है। और उस काफ मसल्स ने क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि वो इंसान अपने से 20 किलो 40 किलो 50 किलो एक्स्ट्रा वेट लेके कई सालों तक, कई महीनों तक चला है, फिरा है, तो काफ मसल्स की हेवियर एक्सरसाइज हुई, और उसके एडजस्टमेंट में काफ मसल्स ने अपने फाइबर्स बढ़ाए, अपने न्यूक्लियाइज बढ़ाए, अपनी खून की नसें बढ़ाई। सो विद एक्सरसाइज, वो उस मसल के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज थी, 20 किलो एक्स्ट्रा वेट लेके रोज चलना, 10 या 50 किलो एक्स्ट्रा वेट लेके रोज चलना एक्सरसाइज थी, तो वो मसल एडजस्ट कर। सेम वे अगर हमारी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज मिलता है, प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलता है, प्रॉपर रेस्ट मिलता है, तो वो एडजस्ट कर सकती है आपके अगर ओवर टाइम। मान लीजिए किसी को कोरोना में कहीं ब्लॉकेजेस हुआ, ब्रेन में हुआ, पेट में हुआ, हार्ट में हुआ, और वो प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रॉ मटेरियल्स आपके शरीर को दे रहा है, तो आपकी बॉडी उसको ओवरकम कर सकती है। आपकी बॉडी उसके आसपास से, अगर वो बहुत बड़ा क्लॉट है तो उसके आसपास से दूसरी खून की नसों को बड़ा कर सकती है। बिकॉज एक नाली में जब अगर आप तीन कहीं से तीन प्रेशर, जैसे कूलर में तीन पाइप होते हैं, तीन पाइप में से एक पाइप अगर आप बंद कर देंगे तो दूसरे दो पाइप में फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी का पंप तो एक ही है, पंप तो एक ही रहा है। एक पाइप अगर आप बंद करोगे दूसरे पाइप में फ्लो बढ़ जाएगा। सेम वे अगर एक नस में ब्लॉकेज हो रही है और हार्ट को जाने वाली तीन नसें हैं, तो बाकी दो नसों में फ्लो बढ़ जाता है, और वो फ्लो बढ़ने की वजह से छोटी छोटी नसें दूसरी खुलने लगती हैं। बट उसको चाहिए रॉ मटेरियल, उसको चाहिए एक्सरसाइज, उसको चाहिए प्रॉपर टाइम, रेस्ट, स्टिमुलस। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्ट अटैक का रिस्क सबको है। क्यों सबको रिस्क है? कि आजकल नई नई चीजें निकल के आ रही है, क्लॉट्स के अंदर, प्लाक्स के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स निकल के आ रहे हैं, कि माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो भी हार्ट अटैक कर सकते हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक आपके हवा तक में है, पानी तक में है, कहां तक कैसे बचोगे? हाँ, थोड़ा बहुत आप एफर्ट ले सकते हो, प्लास्टिक के ऊपर चीजें ना इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, लेकिन एक हद के ऊपर नहीं कर सकते, वो अंदर जाएगा। सेम वेज केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, या जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये सब चीजें इन्फ्लामेशन करती हैं। जैसे स्मोकिंग इन्फ्लामेशन करता है, जैसे हाई शुगर इन्फ्लामेशन करता है, और इन्फ्लामेशन का बस इतना ही मतलब है कि शरीर के अंदर चोट लग रही है, शरीर में कहीं पर, घर के अंदर कहीं से धुआं निकल रहा है, तो उसे हम इन्फ्लामेशन कह रहे हैं, कुछ जल रहा है। अब वो छोटा सा कोई अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, घर के अंदर आग लगी है, ये नहीं पता चलता है, पर इन्फ्लामेशन। तो शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को बीच बीच में चेक करना जरूरी है। उसका एक टेस्ट है हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR वाला टेस्ट पुराना हो गया, बिकॉज वो 6-6 महीने तक पॉजिटिव रहता है, कम होने में बहुत समय लगा। लेकिन सी रिएक्टिव प्रोटीन या हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये ऐसा टेस्ट है कि अगर आपके शरीर में आज इन्फ्लामेशन हो रहा तो आज बढ़ेगा, और इन्फ्लामेशन खत्म हो गया कोई भी जगह पे, किसी भी कारण, चाहे वो स्मोकिंग से हो, चाहे इन सारे कारणों में कहीं भी हो, चोट भी लगी, बुखार भी आया, इन्फेक्शन हुआ हो, तब भी इन्फ्लामेशन होगा, और शरीर को ये नहीं पता कि भाई वो खून में आ जाए, सी रिएक्टिव प्रोटीन वो खून में बढ़ जाएगा। और वो बढ़ा है मतलब हार्ट का ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके अंगूठे में चोट लगी है तब भी वो बढ़ जाए, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई और इन्फ्लामेशन वाला फैक्टर है तब भी बढ़ जाए। हार्ट अगर कोई और फैक्टर नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और कॉन्स्टेंटली रेगुलरली आपका सीआरपी बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके हार्ट के अंदर रिस्क है, आपको हार्ट के टेस्ट कराने पड़ेंगे, करने चाहिए। क्यों? क्योंकि और कोई रीजन नहीं दिख रहा है, इन्फ्लामेशन आपकी खून की नसों में हो सकती है, और हार्ट की ही नहीं, ब्रेन की हो सकती है, सब जगह की हो सकती है, लेकिन डेंजरस आपके लिए हार्ट है, सबसे जरूरी आपके लिए हार्ट है। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ सीआरपी जो है उसके कम होने का, यानी वो जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, वो घंटों में कम हो जाता है, 4 घंटे में आधा हो जाता है, 6 घंटे में, 24 घंटे में और कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा टेस्ट है चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर इंजरी चल रही है कि नहीं, नंबर वन। इन्फ्लेमेशन सेम इंजरी करने वाली चीजों को चेक किया जा सकता है, बीपी कहीं कॉन्स्टेंटली हाई तो नहीं। सिर्फ बीपी हाई जो हो जाना इंजरी नहीं करता, सिर्फ हाई हो जाना इंजरी नहीं करता, जैसे बहुत तेज दौड़ने से शरीर खराब नहीं होता, लेकिन बहुत तेज
दौड़ते ही रहोगे दौड़ते ही रहोगे दौड़ते ही रहोगे, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा बेहोश हो जाओ। सो लिमिट है। वैसे ही हाई बीपी कॉन्स्टेंटली 24 घंटे या कई घंटों तक हाई रहने से इंजरी होती है उनके नसों में, हाई होके कम हो जाए नहीं। हाई होके कम करने के कई तरीके हैं, डीप ब्रीदिंग कर लो, रिलैक्सेशन कर लो, योगा कर लो, दवा ले लो, सो जाओ, साम दाम दंड भेद, कैसे भी हमें तो अपने शरीर को फिट रखना है। जो आदमी मोटा है वो पतला होने के लिए सारे हथकंडे अपना लेता है कि मैं नींबू वाला वो भी ले लूंगा और सिरका भी ले लेंगे और अदरक जीरे का पानी भी ले लेंगे, डाइट भी कर लेंगे थोड़ी बहुत कभी कभार, ऑल्दो जो सबसे जरूरी है वो डाइट, लेकिन हमें दूसरी चीजें अपनाने की कोशिश करते हैं कि पतले होंगे, जिम डालेंगे, कोई नहीं करेगा इनमें से कई सारी चीजें और सिर्फ एक पे डिपेंडेंट होगा। अब ये सोच के देखिए, इतनी मल्टीफैक्टोरियल, इतने सारे फैक्टर्स और इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो सिर्फ जैसे बाल है, बाल अगर प्रोटीन की कमी आयरन की कमी है तो केवल किसी भी प्रकार के तेल दवाई से या तेल दवाई लगा लेने से बाल नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते, बिकॉज रॉ मटेरियल ही नहीं। सेम वे अगर आपकी बॉडी में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी नींद सही नहीं है, आप बहुत हाई स्ट्रेसफुल लाइफ लेते हैं, तो वो चीज करेक्ट करे बगैर आप अपना खतरा कम नहीं कर सकते। आज के डेट में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन बन के आ रहा है जो आगे चल के और बड़ा रीजन बनता जाएगा। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन हार्ट अटैक का या किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए आपकी सेंसिटिविटी। तो आपको स्ट्रेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, आपको देखना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फील हो रही है कि नहीं हो रही। मुझे शांत नहीं लग रहा, मुझे रिलैक्स नहीं लग रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे को रात को सोने के बाद सुबह उठने के बाद लग रहा है कि ऑफिस नहीं जाऊं, अनइजी लग रहा है, देयर इज एन इशू। आपको टेस्ट कराने चाहिए कहीं आपके अंदर कोई कमी तो नहीं, क्योंकि कमी जो है दैट इज एन इजी फिक्स। अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन, पानी पिया अच्छा लग गया। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, ग्लूकोज की कमी हो सकती है, शुगर लिया, ग्लूकोज लिया, अच्छा लग गया। कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट पे चले जाते हैं ये सोच के कि उससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप अपनी बॉडी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं कि मुझे हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, तो आप खुद नहीं कर सकते, आपको एक डॉक्टर की, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए जो आप पे समय दे। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इतने सारे फैक्टर्स हैं और आपके केस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा है, ये देखना। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है, क्या आपके अंदर सीआरपी बढ़ा हुआ है, क्या आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, आपकी नींद सही नहीं है, आपकी धड़कन बड़ी तो नहीं रहती, आपका बीपी बढ़ा तो नहीं रहता, आपका शुगर बढ़ा तो नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कहाँ प्रॉब्लम। अब हमने अभी तक तो हमने बीमारियों की बात ही नहीं की, इस सब के ऊपर आप ऐड करिए, किसी को ऑलरेडी लिवर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लंग्स खराब है, किसी को सीओपीडी है, किसी को टीबी हुआ था, उसके बड़ी खतरनाक टीबी की बीमारी चल रही है, तो उन सब के अंदर ऐसा नहीं है कि शरीर ये नहीं बोलता है कि आपको एक बड़ी बीमारी है तो मैं दूसरा नहीं होने दूंगा। हार्ट की बीमारी सबको आती जाती रहती है, ये एक एजिंग प्रोसेस है, ये उम्र के साथ आता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर स्किन के सेल, चमड़ी के सेल रिकवर होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, इसीलिए हर 21 दिन में 28 दिन में आपका हर एक स्किन का जो सेल है वो चेंज हो जाता है, नया आ जाता है, नया आ जाता है, इसीलिए आपके दाग धब्बे स्कार धीरे धीरे कम हो जाते हैं, आपके कोई पिंपल के कोई दाग होते हैं वो कम हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके उम्र के साथ, अगर आप ध्यान रख रहे हो स्किन का, अगर आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं, एक्सफोलिएशन से ही आपका सही दिखने लग जाता है, लेकिन एक एज के बाद ये रिकवरी नहीं होती, आपकी ही जो स्किन है वो वापस से हील होना, वापस से नया बनना बंद हो जाती है, तभी आपको रिंकल्स आते हैं, उसी को हम एजिंग बोलते हैं। तो यही काम फिर एक उम्र के बाद आपकी खून की नसों में, आपके हार्ट के अंदर, आपके लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर भी होता है कि वो रोजमर्रा की जो इंजरीज जो जवानी से बचपन से हो रही थी वो रिकवर होनी या वो रिपेयर होनी और स्लो होती जाती है, इसीलिए बुजुर्ग होने के बाद, एक उम्र होने के बाद हार्ट अटैक के या वो बीमारियों के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और क्योंकि हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो इंजरी करने वाले, इन्फ्लामेशन करने वाले, डैमेज करने वाली चीजें आपके आसपास ही हैं, आप हवा के अंदर पोल्यूशन से नहीं बच सकते, आप अपने घर के अंदर आने वाले क्वालिटी, इवन एक एक छोटी छोटी चीज जिसके अंदर आपको लगता होगा कि हाँ ये प्योर है लेकिन नहीं हो, सब्जियां आप हरी सब्जियां खा रहे हैं उसमें कलर चढ़ा हो, उसके अंदर कोई और केमिकल डाला हो, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो एक इंजरी है आपकी बॉडी के लिए, माइक्रो इंजरी, आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए रेस्ट आपके हाथ में, आपके लाइफस्टाइल आपके हाथ में, एक्सरसाइज आपके हाथ में, ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। और आप कहोगे कुछ लोगों को तो जिम में ही हार्ट अटैक आया, कुछ लोगों को तो एक्सरसाइज करते ही हुआ, जैसे मैंने कहा दौड़ना अच्छी बात है पर कितने देर तक, बहुत लंबे समय तक नहीं। तो अपने शरीर की लिमिट्स को पहचानना और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में लिमिट से आगे पुश नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट। तो स्लो स्टेडी, जैसे डाइटिंग भी करोगे तो धीरे धीरे करोगे बेहतर रहेगा, जल्दी जल्दी करोगे वेट लॉस करने की कोशिश तो और ज्यादा बीमार हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। सेम वे अगर एक्सरसाइज भी करोगे तो धीरे 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 अपनी क्षमता बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कुछ अचीव करने जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं जो आपके शरीर के अंदर इंजरीज कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, और हम एज अ सोसाइटी कंपटीशन को इतना बढ़ा दिया है, जीने के लिए लोगों को कमाई इतनी करनी पड़ रही है, स्टैंडर्ड इतने बढ़ गए हैं
कि कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं किसी को भी आराम नहीं मिल रहा है, और लोग आराम के बारे में कम और दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। और स्ट्रेस आपको चाहे न्यूज से मिलता हो, चाहे चैनल से मिलता हो, चाहे ऑफिस में मिलता हो, चाहे घर में मिलता हो, हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस एक बराबर है। तो आपको वो स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे उसके लिए आप रिलैक्स करने के लिए योगा करो, छुट्टी पे जाओ, आप वीकेंड पे आप कुछ दोस्तों के साथ जाओ, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करे। और सबसे बड़ा पॉइंट जो गलती 90% लोग करते हैं वो है उनकी डाइट। हम सारे लोग डाइट के बारे में अपने कभी सोचते हैं, हम तो अच्छा खा रहे हैं, बेसिक खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, सिंपल दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, हमें क्यों बीमारी हो रही है, हमारी रिकवरी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि आज के डेट में हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रह गई कि हम 4-4, 8-8 रोटियों को पचाएं। जब होता था तो लोग इतनी इतनी रोटियां खाते थे दिन में 2-2, 3-3 टाइम और खूब सारा चलते थे, तो रोटियों में इतनी इतनी में जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता था उसको वो यूज कर लेते थे और जो थोड़ा सा प्रोटीन होता था वो काम आ जाता। तो क्योंकि उनकी डाइट ज्यादा थी तो इसलिए उनकी और एक्सरसाइज ज्यादा थी, तो इसलिए अल्टीमेटली उनकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज जाती थी वो सही हो जाती थी, जो प्रोटीन जाता था वो सही हो जाता था। आज के डेट में हमें रोटियां की क्वालिटी कम, ब्रेड हो गए हैं, बन हो गया है, वड़ा पाव हो गया है, हम खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, क्वांटिटी कम है, बिल्कुल कम है पहले के मुकाबले, लेकिन क्वालिटी भी कम है और उसके अंदर प्रोटीन ना के बराबर, प्रोटीन ही नहीं है। हमारी 90% लोगों के अंदर इंडिया के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी, बिकॉज उनके अंदर रिकवरी के लिए प्रोटीन नहीं, मसल को रिकवर करने के लिए प्रोटीन नहीं है, ऑर्गन्स को रिकवर करने के लिए प्रोटीन नहीं है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन देखना है भी कि नहीं, खासकर अगर आप वेजिटेरियन या वीगन। प्रोटीन्स, पानी, रेस्ट, B12, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी, ये सबसे कॉमन कमियां हैं। अगर आपके शरीर में कमी है तो वो कैसे लड़ेगा तीसरी चीज से, वो कैसे अपने आप को बेहतर बनाए। तो ये कमी लेके लोग जी रहे हैं कई महीने, कई हफ्ते, कई कई साल तक। आपने कई वीडियो देखे होंगे, हार्ट अटैक आने से पहले 1-10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आ जाता है ये साइन। उनका कोई रोल नहीं, क्योंकि ऐसे कई केसेस हमारे रोज हॉस्पिटल में आते हैं। अगर 100 हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, 100 के 100 में अलग अलग लक्षण होते हैं, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई कॉम्बिनेशन, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। ऐसे भी होते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं आता, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आता है। तो इन चीजों पे कंसंट्रेट करने की जगह आप लाइफस्टाइल पे कंसंट्रेट करिए, अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करिए। आपके हाथ में जो चीजें हैं आप उस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और अगर आप अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपके बच्चे आज से ही हेल्दी खाएं, कंसंट्रेट करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझें, कि कमाई सभी ने करनी है, जॉब सभी ने करना है, आज नहीं तो कल, चाहे बिजनेस करें, जॉब करें, और सेहत सबकी कम ज्यादा होनी है, तो हेल्थ, मसल, डाइट और नींद, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट। तो अगर हम इन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भी हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर पाएंगे। पर ये ध्यान में रखिए, फिर भी सब कुछ करके भी, सारी चीजें सही चलाते हुए, सब कुछ सीख के भी अगर कोई गाड़ी लेके निकलता है तब भी किस्मत खराब हो तो उसका एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सही किया फिर आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, इसकी कोई दुनिया में गारंटी नहीं, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे और आपके शरीर में उस अटैक को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। हार्ट अटैक से, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा स्टडी आई थी, लोग उसके ऊपर की रिसर्च पेपर आया था कि हार्ट अटैक से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक के रिस्क या हार्ट अटैक से मौत का रिस्क 90% बढ़ जाता है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेपर था, इसका कोई हो सकता है ये डिसप्रूव हो जाए या हो जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज का नहीं है कि हार्ट अटैक होगा, वो इस चीज का है कि हार्ट अटैक से मोर्टेलिटी का रिस्क, उस हार्ट अटैक अगर आता है तो उसमें क्या आपकी बॉडी उसे झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, वो सवाल है। अगर कोई इंसान है जो बहुत फिजिकली तगड़ा है, उसके अंदर मसल मास ज्यादा है, उसके अंदर शरीर के अंदर ताकत ज्यादा है, तो उसको कोई धक्का भी मारता है वो गिरेगा नहीं, वो एक्सरसाइज करता है थकेगा नहीं, उसको काम ज्यादा करा लोगे प्रॉब्लम नहीं, वो बीमार होगी ज्यादा बीमार नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो हार्ट अटैक भी झेल लेगा, मतलब उसके बाद उसको समय ज्यादा मिलेगा उसे ठीक करने का। ऐसा नहीं कि उसके लिए ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बट आप अपने शरीर को उस लायक बना सकते हैं कि आप हार्ट अटैक से आता भी है तो उससे मरे ना, उसको झेल पाए। उसके लिए आपको अपनी मांसपेशी पे काम करना, क्योंकि आपके शरीर में जितनी अच्छी मांसपेशी होती है एक उम्र के बाद वो बहुत जरूरी है। 40-50 के बाद आपकी हर साल आधा किलो मसल कम होती जाती है, किसी की आधा, किसी की 1 किलो, और एक एज के बाद इसीलिए लोग गिर के हड्डी टूट जाती है, बैठे बैठे फिर लेटे लेटे बेड पे हो जाते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, इधर उधर अटैक हो जाता है। तो
कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इतने सारे हैं कि आपको बेसिक्स पे ही काम करना पड़ेगा, और बेसिक यही है, अपनी मसल बनाइए, मांसपेशी बनाइए, डाइट सही रखिए, उल्टे काम ना करें, स्मोकिंग करते हो, दारू पीते हैं, कोई और चीज लेते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है, तो उन सब चीजों को टेस्ट करें, कंट्रोल करें, उसको कम करें, मोटापा कम करें, रेगुलर टेस्ट कराएं, कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से बात करें, हमारे वीडियोस देखते रहें, शेयर करें, और अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखें। ध्यान में रखिए, अगर आपकी बॉडी आपको कोई संकेत दे रही है, अगर आपका सांस फूल रहा है, आपको छाती में दर्द हो रहा है, तो इग्नोर नहीं करें। टेस्ट करा लेने में खाली एक ईसीजी, इफ यू जस्ट डू एन ईसीजी, इट्स नॉट अ बिग टेस्ट, ईसीजी करा लेने में कुछ नहीं जाता। उस समय एक ईसीजी करा लिया तो आपको पता चल जाता है कहीं कोई मेजर अटैक तो नहीं है, और अगर कॉन्स्टेंट पेन हो रहा है, लगातार दिक्कत हो रही है, तो वही ईसीजी एक घंटे बाद फिर करा लो, 2 घंटे बाद फिर करा लो, 200-400 रुपए का टेस्ट है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कहीं अटैक तो नहीं है। जब भी अटैक आता है, आपको टाइम मिलता है उसको ठीक करने का। ये एक्सीडेंट जैसा नहीं है कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ था खत्म, इसमें अटैक आएगा तो आपको कई घंटे मिलते हैं, कई बार कई दिन मिलते हैं, और कई बार कुछ हिस्सा सिर्फ डैमेज होकर रह जाता है और आप बच जाते हैं। ये आपकी किस्मत के ऊपर है कि हार्ट के अंदर जाने वाली खून की नसें पेड़ के जैसी होती है, उसकी कौन सी टहनी में ब्लॉक के जाके अटैक हुआ होगा। अगर सबसे मेजर टहनी में हुआ तब सबसे घातक होता है, तब कुछ ही घंटे होते हैं, 1 से 6 घंटे गोल्डन पीरियड जिसे हम कहते हैं, तो फिर भी 6 घंटे बहुत होते हैं आसपास अस्पताल जाने के लिए, ईसीजी करा के कंफर्म करने के लिए, हार्ट की नसों को खोलने के लिए, इंजेक्शन आते हैं, दवाइयां आती हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ नुस्खों पे बैठ जाएंगे और सारी चीजों को इग्नोर करके बैठ जाएंगे और सोचेंगे नहीं कि कारण क्या है, तो ये गलत बात। और अगर इमरजेंसी ऑप्शंस को हम सोचेंगे कि ये तो भाई एब्सोल्युटली मेरे लिए नहीं है, तो ये गलत बात। तो हमारी आज की पीढ़ी अपने खुद की फील्ड के अलावा हेल्थ के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डाइट के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और बीमारी आ क्यों रही है उसके ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इस तरीके के वीडियोस आपका काम है, आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि भाई ये मेरे को समझ में आया, आप समझो, क्योंकि आज आप समझ लोगे कल आपके काम होंगे, आप भूल जाओ। आपको ऐसी चीजें रेगुलर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और एक अच्छा फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन आपके पास होना चाहिए जो छोटी छोटी चीजों का आपका ध्यान रखे, क्योंकि आपकी टेस्ट कराना भी भूल जाते हो आप, वो तो दूर की बात है कि टेस्ट में गड़बड़ आई उसे ठीक करना। सो अगर आपको ये बातें समझ आई है तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप लोग घर जाके एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट अपने घर वालों को भी बताएं या अपने फ्रेंड्स को बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि आपको एक बार बताओगे ना तो आपको याद हो जाएगी, आपको याद रहेगी, सबसे बड़ी बात हो जाएगी से ज्यादा याद रहेगी। मैं चाहता हूं आपको याद रहे कि आपके आसपास इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, इंजरी करने वाली चीजें हैं, और आपकी बॉडी को हील करने के लिए रॉ मटेरियल और रेस्ट और एक्सरसाइज चाहिए। ये 3 ही बेसिक चीजें, डाइट अगर आप सही रखें, एक्सरसाइज सही करें, प्रॉपर रेस्ट लें, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, आपकी लाइफ भी लंबी होगी।